दोस्तों क्या आप जानते हैं जिस दिन से मैंने कॉफी लेक के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिस दिन मैंने पहला कॉफी लेक का पीसी बिल्ड किया था, उस दिन से लेके मुझे आज तक हर वीडियो पे लगभग मुझे एक कमेंट जरूर आया है कि भाई कॉफी लेक का चीप मदरबोर्ड्स कब रिलीज होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड काफी बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे इसके बारे में फुल डिटेल। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। सो लेट्स बिगिन। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारा कोई भी रेगुलर कंटेंट मिस ना कर दें। दोस्तों अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कॉफी लेक की इंटेल की सीरीज है वो जिस प्राइस पे आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रही है वो बहुत ही अच्छी चीज है। इवन आपको भी मन किया होगा कि आप उस पे अपना एक बजट पीसी बिल्ड बनाएं। लेकिन दोस्तों सिर्फ दिक्कत यही है कि जो उसके मदरबोर्ड थे वो केवल फ्लैगशिप सीरीज के मदरबोर्ड रिलीज हुए थे, मतलब कि Z370 मदरबोर्ड, जो कि एक प्रीमियम सीरीज है और काफी ज्यादा कॉस्टली है। अगर आप मदरबोर्ड इनके सर्च करेंगे तो आपको जो सबसे चीपेस्ट मदरबोर्ड मिलेगा वो मिलेगा 10,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए के बीच, जो लाइनअप है वो इतने की ही मिलती है। तो दोस्तों दिक्कत यही थी। लेकिन काफी टाइम से ये रूमर्स है कि जो कॉफी लेक की लाइनअप है उस बजट बिल्ड वाले मदरबोर्ड जल्द ही रिलीज होने वाले हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई थी। दोस्तों बस एक दिन पहले ही एजरॉक ने अपनी इन्फॉर्मेशन लीक करी है और बताया है कि कौन कौन से मदरबोर्ड का प्रोडक्शन उसने स्टार्ट कर दिया है। इवन कह सकते हैं उसका जो प्रोडक्शन है वो एकदम रनिंग पर है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी के लास्ट तक या फरवरी के स्टार्टिंग में आपको इसके चीप मदरबोर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से मॉडल रिलीज होंगे और इनकी प्राइस क्या होगी। जो सबसे पहला हमारा बेसिक मॉडल है वो है हमारा H310, जैसे कि केबी लेक और स्काई लेक में हमारा चलता था H110M, या जो कि आप कह सकते हैं जो उसका सफिक्स होता है वो। इसी तरह से कॉफी लेक में जो हमारा मदरबोर्ड होगा उसका जो कोड होगा, जो सबसे बेसिक मदरबोर्ड होगा उसको उसका जो कोड होगा वो होगा H310। तो दोस्तों इनकी जो कीमत है ये लगभग मेरा ऐसा मानना है कि 4,000 से लेके 5,000 रुपए के बीच लाई करनी चाहिए। दोस्तों जो इसकी दूसरी सीरीज है वो है इसकी H370। ये थोड़ी सी बेसिक से थोड़ा ऊपर हटकर है। शायद इस सीरीज में आपको 4 रैम स्लॉट्स देखने को मिल जाए, या कह सकते हैं M.2 स्लॉट देखने को मिल जाए। इसकी जो प्राइस होगी दोस्तों ये होगी 5,500 से लेके 6,000 रुपए के बीच। ज्यादा इससे एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है क्योंकि मैं नहीं मानता कोई इतना बेसिक मदरबोर्ड नहीं खरीदे। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि जो थोड़ा पैसा लगाएगा वो डायरेक्ट B360 मदरबोर्ड ले लेगा। B360 मदरबोर्ड बेसिकली हमें एक मीडियम लेवल का फीचर्स कह सकते हैं प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि 4 डिम स्लॉट, M.2 स्लॉट। हालांकि ये SLI का सपोर्ट नहीं देते हैं, लेकिन एक बेसिक यूजर्स के लिए, अगर आप काफी ज्यादा हाई एंड यूजर नहीं है तो आपके लिए सफिशियंट है। उसके बाद जो लाइनअप आती है दोस्तों वो है हमारी Z390 मदरबोर्ड। Z390 मदरबोर्ड का जो ऐसा रूमर्स था कि रिलीज होने वाला है, फाइनली एजरॉक ने उसका भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों जो Z390 मदरबोर्ड की जो सीरीज होगी वो Z370 से थोड़ी ऊपर क्वालिटी की होगी। इस सीरीज के जो मदरबोर्ड हैं बेसिकली वो 8 कोर और 16 थ्रेड के प्रोसेसर्स को हैंडल करने की कैपेबिलिटीज भी रखते होंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस की। जो हमारी सबसे बेसिक सीरीज है जैसे कि H310, जो उसकी प्राइस होगी मेरा ऐसा मानना है कि 4,000 से लेके 5,000 के बीच होनी चाहिए। और जो दूसरी सीरीज आती है जो H370, इसकी जो प्राइस है इसकी प्राइस होनी चाहिए 5,500 से लेके 6,500 के बीच। उसके बाद दोस्तों जो थोड़ी हमारी हाई एंड कह सकते हैं, हम लोग के हिसाब से हाई एंड है, तो वो जो मॉडल वो जो सीरीज होगी उसकी उसका जो नाम है वो है B360। B360 की जो कीमत होगी उसकी कीमत होनी चाहिए 6,500 से लेके 8,000 के बीच। और उसके बाद जो हमारी सीरीज है वो है Z370 मदरबोर्ड, जो कि ऑलरेडी मार्केट में है ही। उसकी जो प्राइस है वो 10,000 से लेके 20,000 रुपए के बीच है। अब उसके बाद जो आती है Z390 मदरबोर्ड, ये अल्ट्रा फ्लैगशिप है। इसकी जो प्राइस होगी मेरा ऐसा मानना है वो 15,000 से ऊपर होगी। वो हमारे जैसे लोग के लिए नहीं है। जो कि इन्फॉर्मेशन दोस्तों निकल के आई थी मैंने वो आपको बता दिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो पहले जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।